मिनट अंपायर तसेच मैन ऑफ द मैच गौरव सन्माननीय संतोषजी पाटील तुमच्या हस्ते इथे सन्मानित केले जाईल। गौरव एक सुरेख अशी गोलंदाजी या गोलंदाजाने केली होती, दोन षटक षटकामध्ये तीन विकेट्स घेऊन सात धावा ज्यांनी दिल्या होत्या। लेट्स प्ले देखिए गेंदबाज विक्की भोईर जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, तेज तरार गेंदबाज, रफ्तार का बादशाह जिसे कहा जाता है वो गेंदबाज यहाँ पर पहली ओवर फेंकने पहली गेंद यहाँ पर दिखा क्योंकि अनूप की बात चढ़ी जाए काफी गेंदबाजों को खेल चुका है। देखना आज क्या करते हैं यहाँ पर विक्की भोईर के सामने। इस बार देखिए शॉट ऑफ पुल करने का प्रयास किया था, अच्छी गेंद की समाप्ति, फिर एक बार बैक टू बैक दूसरा डॉट यहां पर आता हुआ। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय क्यों लिया है? क्योंकि मेरे पास यहां पर एक रफ्तार का बादशाह है विक्की भोईर, उसका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। दो गेंदे फेंकी है इस गेंदबाज ने, दो लगातार डॉट गेंदे, फिर एक बार यहां पर पटकी हुई गेंद थी, पटक कर गेंद अंदर की तरफ आती हुई। इनसाइड एज लेकर गेंद गई विकेट कीपर के दर्शन में, आउट होकर डगआउट में लौट रहे, बड़ी सफलता, बड़ी मछली यहां पर जाल में फंसती हुई अनूप के नाम की, बड़ा झटका मैं जरूर कहूंगा जय गजानन कुकशट टीम के लिए और बड़ी सफलता यहां पर जतिन आराध्य 11 धारावी टीम के लिए। और अनूप की जगह लेने जा रहे बल्लेबाज अमन सिंह, देखना अमन क्या करते हैं क्योंकि अनूप की जगह यहाँ पर उसे लेनी है और जिस तरह की बल्लेबाजी अनूप करती है उस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर इस बार अनूप को करना है। क्योंकि देखिए तीन गेंदे फेंकी है इस गेंदबाज ने, अभी तक स्कोर बोर्ड यहाँ पर श्री गणेश हुआ नहीं है, मैं जरूर कहूंगा जय गजानन कुक्षट टीम का, यानी कि तीन गेंदे डॉट और एक सफलता। कुल देखा जाए अभी भी तीन गेंदानी शेष है इस ओवर की, 10-15 कदमों का इस्तेमाल अपने गेंदबाजी मार्क पर, राइट जम ओवर, नए गेंदबाज यहाँ पर स्ट्राइक लेते हुए अमन सिंह, देखा जाए किस तरह खेलते हैं यहाँ पर। क्योंकि फिर एक बार पर पहली गेंद पटकी गेंद थी, बल्लेबाज समझने में नाकाम, गेंद गई विकेट कीपर के दर्शन में, डॉट गेंद की समाप्ति, बैक टू बैक ये चौथा डॉट आता हुआ गेंदबाज विक्की भोईर की ओर से। क्योंकि देखा जाए जिसके मैंने कहा था टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय क्यों लिया है क्योंकि मेरे पास विक्की भोईर जैसा गेंदबाज। फिर एक बार यहाँ पर बैट पकड़ जाएगा, पंच की गेंद के पॉइंट के ऊपर से गेंद दंदनाती जाती है, फील्डर जीतता है या गेंद जीतती है आने वाला पल बताएंगे। यहाँ पर सेफ जरूर किया पर अंपायर डिसीजन यहाँ पर आना बाकी है। तीन रन यहां पर दौड़कर पूरे किए हैं, कुल देखा जाए तीन के साथ यहां पर श्री गणेश जरूर हुआ है बल्लेबाज अमन का, कुल स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी गेंदानी शेष है इस पहले ओवर की, पहले पावर प्ले की इस विक्की भोईर की आखिरी गेंद जो कि पहली दफा स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आकाश। इस बार देखिए हल्के हाथ से ढकेली हुई गेंद थी कोशिश क्षेत्र में, 1 रन के लिए 1 के साथ इस ओवर की समाप्ति। कुल देखा जाए पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 4 रन 4 ऑन अ बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट, एक बड़ा विकेट डगआउट में लौट चुका है यानी कि बैकबोन ऑफ द टीम में जरूर कहूंगा।
क्यू डीज है यहाँ पर। देखिए गेंदबाजी के तमाम संभल हुए गेंदबाज धीरज, देखा जाए एक ऑलराउंडर टीम का भरना जिस टीम में भरा हुआ हो, मैं जरूर जतिन आराध्य 11 टीम का नाम जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि एक अच्छे प्लेयर है, अच्छे ऑलराउंडर से इस टीम में। और नई मुंबई हो, रायगढ़ हो, हर जगह अपना नाम यहाँ पर दर्शाते नजर आते हैं हर वक्त। यहाँ पर देखना आज घनसोली नगरी में क्या करते अपने टीम के लिए धीरज भोईर। इस बार देखिए पटकी हुई गेंद थी, बल्लेबाज कहीं ना कहीं जगह बनाना चाहते पर कहीं ना कहीं गति के साथ बिट किया, गेंद गई विकेट कीपर के दर्शन में, डॉट गेंद की समाप्ति। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी सटीक लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पर शुरुआत की है गेंदबाज धीरज भोईर ने। बल्लेबाज स्ट्राइक गेंद पर अमन, इस बार स्लोवर गेंद फेंकी थी, गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर जरूर विकेट कीपर के दर्शन में, चांस था यहाँ पर कहीं ना कहीं चांस गवाया, यानी कि एक चांस यहाँ पर जरूर मिलेगा अमन को। देखना इस चांस का कितना फायदा यहाँ पर लेते हैं बल्लेबाज, क्योंकि इस क्रिकेट में जो कि विकी भोईर जैसा फील्डर अगर इस तरह की कैच ड्रॉप करे तो निश्चित रूप से अच्छा चांस रहेगा बल्लेबाज को। देखना क्या करते हैं अपने इस चांस का कितना फायदा उठाते हैं आने वाली कुछ गेंदें बताएंगी। फिर एक बार शॉर्ट गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, गेंद को समझा परका और गेंद को मिडल कर बेन को भेज दिया गगनचुंबी छक्के के लिए। रिजल्ट आता 100% डीजे आईए। थैंक यू प्रकाश दादा, थैंक यू सूर्यकांत दादा, तुम्ही आलात आमच्या मंचाची शोभा वाढवला त्याबद्दल तुमचं देखील मनपूर्वक आभार। देखा जाए देखिए दोस्तों वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन हो तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज को आप जगह पर रख सकते हो, अगर कोई बल्लेबाज अगर आपका वेरिएशन पर रख ले तो इस तरह का रिजल्ट यहाँ पर जरूर आता है। जैसे कि स्लोअर गेंद फेंकी थी, स्विंग हुई, स्विंग के साथ गेंद को भेज दिया सीमा रेखा बाहर छक्के के लिए। फिर एक बार यहाँ पर कहीं ना कहीं कमबैक करेंगे धीरज भोईर, क्षमता है इस गेंदबाज में। फिर एक बार यहाँ पर बैकफुट जगह पंच की कवर के छूती हुई गेंद गई दन दनाती सीमा रेखा बाहर चार रन के लिए। डीजी आइए चार गेंदे फेंकी है धीरज ने, अभी दो गेंदा निशेष 11 रन खर्च किए। कहीं ना कहीं फिर एक बार बड़ा प्रहार करने का प्रयास जरूर किया था, बैट की टॉप एज लेकर गेंद गई फिर एक बार घोषित क्षेत्र में। एक के साथ टीम का स्कोर बोर्ड देखा जाए 16 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ वन विकेट, बिग विकेट गोस टू डग आउट। पर उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी की है आकाश ने, क्योंकि देखा जाए पहले ओवर में थोड़ी सी धीमी शुरुआत जरूर हुई थी पर उसके बाद धीरज भोईर को छक्का जड़ने के बाद कहीं ना कहीं रनों में थोड़ा सा रंग आया है मैं जरूर कहूंगा। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंदा निशेष 16 ऑन बोर्ड, देखना है धीरज भोईर किस तरह कमबैक करते हैं यहाँ पर। आकाश अच्छे फॉर्म में, फिर एक बार यहाँ पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, फिर एक बार गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर गेंद गई घोषित क्षेत्र में एक रन के लिए। एक के साथ इसे दूसरे ओवर की समाप्ति। कुल स्कोरबोर्ड देखा जाए 17 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ वन विकेट, 17 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। जैसा कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और उसके बाद जो कि आमंत्रित किया था जय गगनचुंबी क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी के लिए। 12 गेंदों का खेल खत्म, 12 गेंदों के बाद टीम का स्कोर है 17 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ वन विकेट। कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत में जरूर कहूंगा, 50-50 स्टार्ट मैं जरूर कहूंगा। जिस तरह से देखा था कि पहले ओवर में अनूप जाने के बाद थोड़ी धीमी शुरुआत जरूर होगी पर यहाँ पर देखा जाए अच्छे रन रेट के साथ अब तक बल्लेबाजी हो रही है। पर देखा जाए दारावेट टीम की बात छड़ी जाए, अच्छे बल्लेबाजों का भरना इस टीम में जरूर है, इसलिए मैं जरूर कहूंगा 5 ओवर में 60 प्लस रन होने जरूरी है। देखा जाए अब तक उस छोर पर नजर आ रहे चल रहे जय गजानन क्रिकेट टीम के बल्लेबाज। स्ट्राइक एंड पर अमन को देखा जाए इससे पहले ओवर में चांस जरूर मिला था, देखना इस चांस का कितना फायदा उठाते।
गेंदबाजी की दमार फिर एक बार एक तेज रफ्तार गेंदबाज आपके सामने रहेंगे विकी भोयर टीम की ओर से तीसरी व्यक्तिगत रूप से दूसरी ओर की पहली गेंद विकी चू अमन थोड़ी सी फील्डिंग में यहां पर चेंज करते हुए नजर आ रहा है फिर एक बार यहां पर गति के साथ बीट करना चाहते थे पर कहीं ना कहीं बैट पर जाकर खेलने का प्रयास किया था बैट के टॉप एज लेकर गिन गई फिर एक बार एक रन के लिए कोशिश क्षेत्र में एक के साथ टीम का स्कोर बोर्ड यहां पर 18 ऑन बोर्ड 18 रन हो चुके एक बड़ी सफलता जरूर मिली है धारावी टीम को पर कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है एक छोर पर आकाश एक छोर पर अमन पर एक बार यहाँ पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था फिर एक बार थर्ड मैन क्षेत्र में जाते हुए गेंद घोषित क्षेत्र है यहाँ पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर हो रहा है पर कहीं ना कहीं मिडल करने में नाकाम हो रहे बल्लेबाज अमन अभी भी इस ओवर की चार गेंदानी शेष है देखिए ये ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर रहेगा धारावी टीम के लिए और जरूर चाहेंगे टीम कहीं ना कहीं संभाल कर ये चार गेंदे खेली जाए यहाँ पर प्रहार करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं मिडल नहीं हो पा रहा है अब तक अमन के बल्ले से एक अच्छी बात है कि गेंद डॉट नहीं आ रही है हर गेंद पर यहाँ पर एक रन जरूर बन रहा है यानी कि इक्का दुक्का अगर इस जैसे गेंदबाज को बने एक अच्छी बात मैं जरूर कहूंगा अगर छह गेंदों में सात या आठ रन इस गेंदबाज को आए एक अच्छी बात रहेगी बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए इस बार देखिए गति के साथ बेट किया मेरे को जगह बना रहे हो तो मैं आपको जगह बनाने का मौका नहीं दूंगा एक अच्छी गेंद की समाप्ति यहां पर और 22 डिक्लेयर जोन में जाते हुए गेंद एक रन जरूर यहां पर टीम के स्कोरबोर्ड में बढ़ेगा एक के साथ टीम का स्कोरबोर्ड 21 ऑन अ बोर्ड लॉस्ट ऑफ वन विकेट गेंदबाजी अब तक चार गेंदे फेंकी है चार रन खर्च किए इस गेंदबाज ने इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ है वन बाउंस फिल्डर वहां पर ऑन के क्षेत्र में मौजूद है जब तक फील्ड करे एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा एक के साथ देखा जाए कुल पांच गेंदे फेंकी है यहां पर और पांच गेंदों में पांच रन खर्च किए इस गेंदबाज ने सम्माननीय श्री जय जनार्दन म्हात्रे जय जय के नाम से विख्यात है और स्वागत है आपका लीजेंड्स ट्रॉफी 2022 के इस सत्र में हमारे परम मित्र विशाल मड़वी के परम मित्र थोड़ा स्पीड अप कीजिए हैम्पर्स के लिए भी कॉल रहेगा कैप्टन के लिए भी कॉल रहेगा थोड़ा स्पीड अप कीजिए आज के दिन के और भी तीन मैचेस यहाँ पर आने बाकी है कुल देखा जाए तीन ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हुआ है 18 यानी कि तीन ओवर के बाद यहाँ पर टीम का स्कोरबोर्ड देखा जाए 23 रन 23 ऑन अ बोर्ड लॉस्ट ऑफ वन विकेट अभी भी इस इनिंग की दो ओवर आने बाकी यानी कि 12 गेंदानी शेष है देखना है अमन और आकाश की जोड़ी क्या करती है अपने टीम के लिए जरूरत है बड़े प्रहार करने की जो ओवर खेलनी थी वो खेल चुके हैं यानी कि विकी भोयर को संभाल कर खेल कर अपने छह गेंदों में छह रन यहां पर बटोरने में कामयाब हुए पर कहीं ना कहीं यहां पर किसी एक गेंदबाज को टारगेट करना जरूरी है देखना है किस गेंदबाज को यहां पर टारगेट करते हैं ये दो बल्लेबाज क्योंकि सामने इन एक्सपीरियंस इन फॉर्म मैन इन फॉर्म मैन इन टच बैकबोन ऑफ द टीम मैं जरूर कहूंगा सचिन नाइक इस बार पहले गेंद पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास असफल गेंद गई यहाँ पर फिल्डर के दर्शन में यानी कि मैं इस बार कहूंगा ओ यूटी आउट दूसरी सफलता
दूसरी विकेट, दूसरा झटका यहाँ पर लगता हुआ जय गजानन कुक्षेत्र टीम को। चौकी आकाश की जगह यहां पर लेने गए विनोद, पहले गेंद पर सफलता लेने में कामयाब, फिर एक बार पर गति के साथ पटकी हुई गेंद थी, शॉट ऑफ पुल करने का प्रयास किया था, फील्डर वहां पर मौजूद है, पर इस बार मैं कहूंगा फिर एक बार ओ यूटी आउट। तीसरी सफलती, तीसरा झटका यहां पर अमन का डीजे आइए। खराब प्रदर्शन में जरूर कहूंगा जय गजानन कुक्षेत्र टीम का, क्योंकि जिस तरह से अमन और आकाश बल्लेबाजी कर रहा था ऐसे लग रहा था कहीं ना कहीं अच्छे स्थिति पर लेके जाएगा टीम को, पर उसके बाद जैसे कि आकाश की विकेट गई, आयाराम गयाराम की भूमिका बीच मैदान पर नजर आ रही है, तू चल मैं आया, इस तरह का क्रिकेट बीच मैदान पर। ऐसे बार लॉफ टॉस गेंद थी, लॉफ की वन बाउंस गेंद गई, दन दनाती सी मारेगा बाहर चार रन के लिए, यानी कि और अच्छी चल रही थी पर कहीं ना कहीं थैंक यू डीजे आखिरी गेंद इस, और यहां पर जय मात्रे सर आइए, फिर एक बार मैं कहूंगा स्वागत है आपका इस मंच पर। कुल देखा जाए
और रहेगी इस इनिंग की। कुल देखा जाए अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सचिन की बात छड़ी जाए, अपने ओवर में 6 रन खर्च किए, 4 सफलता। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा था कि एक टारगेट करना था किसी गेंदबाज को, टारगेट करने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज ने, पर हावी हो चुके यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा था बैकबोन ऑफ द टीम है, दानावेट टीम का अगर बैकबोन कोई रहेगा तो मैं जरूर सचिन नाइक का नाम लेना चाहूंगा। और बैकबोन ऑफ टीम को टारगेट चाह करना यहाँ पर जयगजन कुशल टीम के बल्लेबाजों ने, पर कहीं ना कहीं असफल, जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग असफल हो चुकी है। कुल देखा जाए टीम का स्कोर है 29 ऑन अ बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 5 विकेट्स, यानी कि 5 विकेट डगआउट में, आधी टीम यहाँ पर डगआउट में लौट चुकी है। ये आखिरी 6 क्रुशियल ओवर, एक इस बार लो फुल टॉस गेंद हेलीकॉप्टर शॉट करने का प्रयास जरूर किया था, फिल्टर ओवर पर मौजूद थे पर कोई रन नहीं है। इस डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत जरूर की है गेंदबाज ने, गेंदबाज भावेश स्ट्राइक एंड पर, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज संकल्प, जैसे कि हरदम कहा जाता है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, ताकत होती है इस बल्लेबाज में, देखना चाहिए आज इस ताकत का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, क्योंकि गेंदबाज है उनके सामने भावेश। फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी, शॉट पुल करने का प्रयास किया था, प्रयास असफल जरूर हुआ है पर 1 रन यहां पर जरूर मिली है टीम के खाते में। कुल देखा जाए 1-7 टीम का स्कोर बोर्ड देखा जाए 30 ऑन अ बोर्ड। अभी भी इसी इनिंग की 4 गेंदानी शेष, देखना क्या करते हैं यहाँ पर संकल्प क्षमता इस बल्लेबाज में बड़े प्रहार करने की, और आज यहाँ पर कर दिखाना है क्योंकि टीम को जरूरत है। टीम की बात छिड़ी जाए 30 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके, अभी भी इस इनिंग की 4 गेंदानी शेष, दिखना है या फिर भावेश कदमों में कदम रखते गेंदबाजों के, या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं संकल्प उसके ऊपर हावी होते हैं, आने वाली कुछ गेंदे बताएंगे। 4 गेंदानी शेष, कहीं ना कहीं चाहेंगे 10 या 15 रन जरूर स्कोरबोर्ड में आए, जिसके मैंने बात छड़ी थी 60+ होने जरूरी है, पर कहीं ना कहीं थोड़े से बैक टू पर नजर आ रहे जय गजानन कुक्षक टीम के बल्लेबाज। फिर एक बार यहां पर फुल टॉस गेंद थी, कहीं ना कहीं पंच की गेंद गई घोषित क्षेत्र में, फिर एक बार 1 रन के लिए एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज संकल्प को। अगर इक्का दुक्का से काम बन रहा है तो जरूर फील्डिंग करने वाली टीम खुश रहेगी, कुछ नया करने का प्रयास नहीं करेगी, क्योंकि चाहते क्रुशियल आखिरी 3 गेंदे इस इनिंग की, और बल्लेबाज जरूर चाहेगा बड़ा प्रहार करने का। पर एक बार यहां पर लो फुल टॉस गेंद थी, प्रहार करने का प्रयास जरूर किया था, फिल्टर ओवर पर मौजूद थे, कुल देखा जाए रन आउट होकर टक आउट में लौट रहे। फिर एक बार यहां पर संकल्प डी जी आइए सातवां विकेट यहां पर डगआउट में लौटता हुआ नजर आएगा मनीष के रूप में, नए बल्लेबाज शाहरुख उनकी जगह। और आखिरी गेंद इस इनिंग की अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाजी की ओर से टॉस जीतकर कैप्टन ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास है विकी भोईर, धीरज भोईर और मैं खुद सचिन, और उसके बाद यहां पर भावेश। फिर एक बार बड़ा प्रहार करने का प्रयास असफल, 1 रन चुराने में कामयाब, 2 रन का प्रयास फिर एक बार होता हुआ नजर आ रहा, पर यहाँ पर 2 रन चुराने में कामयाब, 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर, 2 रन के साथ इस इनिंग की समाप्ति। कुल देखा जाए पहले इनिंग के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 33 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके, 34 रन का टारगेट यहाँ पर सेट किया गया, यानी कि आने वाली गेंदे रहेंगे 30, मैच जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत। जब तक कहीं जाइए मत, हम यू गए और यू आए, डीजे आइए।
देते हैं और मैच जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है। चलते मैच की ओर। हुतात्मा जगदीश पाटिल मैदान, इस मैदान पर इस ई ओपन टूर्नामेंट का आयोजन एक सफल आयोजन, एक अच्छा आयोजन मैं जरूर कहूंगा। अच्छा ग्राउंड यहां पर, जिस ग्राउंड के माध्यम से जिसने यहां पर हमारी टीम को यहां पर मदद की उनका भी स्वागत किया जा रहा है लीजेंड्स ट्रॉफी 2022 के इस सत्र में। मैच की ओर फिर एक बार यहाँ पर, तो पिच मैदान पर इस कड़ी धूप में तो हम बैस के काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे दोस्त शशि मेहर सर है और उसके साथ यहाँ पर शैला चौहान सर पूरन करंज यानी कि रायगढ़ से बिलोंग्स करते हैं और यहाँ पर नई मुंबई में हम्पायरिंग के काम यहाँ पर करने आए। कुल देखा जाए अच्छे हम्पायरिंग अब तक इस पूरे दिन में दो हम्पायर्स के बीच कुल देखा जाए। मेरे साथी दोस्त काशी स्कोरर यहाँ पर शुभम मेरे साथ जुड़े हैं और यहाँ पर इंडिया लाइव यहां पर हमारे साथ दो जुड़े हैं। कुल देखा जाए मैच 20 गेंदे हैं और मैच जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है। 34 रन्स टू विन फ्रॉम लास्ट 30 बॉल्स और यहां पर हमारे मलई वाले चाचा पिच मंच से जा रहे हैं। क्रिकेट के सच्चे चाहते मैं जरूर कहूंगा। इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो मैं जरूर इस क्रिकेटर की बात जरूर छेड़ूंगा और हरदम अच्छी बल्लेबाजी करने में कामयाब के साथ यहाँ पर भावेश जुड़े हुए। इस बात के गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर हुआ है नो मैन्स लैंड में पिच उतरी गेंद वन बाउंस गेंद गई तनतनाती सी मारेगा बार चार रन के लिए डीजीआई है। जैसे कि हर दम में कहता हूँ अच्छे गेंद का सम्मान खराब गेंद का समाचार अगर जो बल्लेबाज लेना सीखे तो निश्चित रूप से लंबी पारी खेल सकता है। ये पारी यहाँ पर नजर आ रही है मैं जरूर कहूंगा भावेश के बल्ले से पाटिल यहाँ पर हो चुके हैं। स्वागत है सर आपका लीजेंड्स ट्रॉफी 2022 के इस सत्र में। यहाँ पर देखिए गति परिवर्तन मैं जरूर कहूंगा अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अच्छी शुरुआत यहाँ पर की है जरूर कैप्टन लीडिंग फ्रंट क्या था एक सादा उदाहरण है यहाँ पर अनुप की ओर से जो कि सलामी की कैप्टन ने टॉस हारने के बाद सलामी में बल्ला उठाया उसके बाद यहां पर कहीं ना कहीं लो स्कोरिंग मैच गेंदबाजी की दमार संभालते हुए पर इस बार जगह बनाई मिडिल द बैट वन बाउंस टू बाउंस यहां पर फील्डर फील्ड करने में नाकाम गेंद गई सीमा रेखा बार चार रन दीजिए। में आप अच्छा खेलते हो तो इस तरह का क्रिकेट यहाँ पर खराब क्रिकेट में जरूर कहूंगा। व्हाइट चिकन एक रन टीम के स्कोरबोर्ड में आ चुका है
जिस तरह से पहले गेंद पे शॉट लगाया था, यहाँ पर एक गति का इस्तेमाल किया था, फास्ट आउटफील्ड का इस्तेमाल किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब शॉट यहाँ पर खेलने का प्रयास किया बल्लेबाज भावेश ने। कच्चे गेंदबाजी डॉट गेंद आती हुई आखिरी गेंद, इस ओवर की टीम का स्कोर देखा जाए 10 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके। फिर एक बार यहाँ पर शफल किया, स्टेप आउट किया, गेंद वन बाउंस गई, फिर एक बार दनदनाती सी मारे का बाहर। जैसे कि मैंने बात छेड़ी थी, अगर आप वी शेप में अच्छा खेलते हो तो इस तरह का क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पर इसके साथ चार के साथ इस ओवर की समाप्ति दीजिए। जो कि 30 गेंदों में 34 रन का टारगेट सेट किया गया था, उसके चढ़ने उतरे थे मैं जरूर कहूंगा। स्ट्राइक एंड पर थे भावेश, ना स्ट्राइक एंड पर थे विशाल, पर यहाँ पर छोर बदल गया। पहली 6 गेंदें खेली थी भावेश ने, उसके बाद यहाँ पर दूसरी ओवर की शुरुआत जैसे होती है स्ट्राइक एंड पर आए नए बल्लेबाज विशाल। गेंदबाजी की दमार संभाले हुए गेंदबाज विनय कहीं ना कहीं खंदे डाउन नजर आ रहे हैं मैं जरूर कहूंगा। जय गजानन कुक्षत टीम के, एक टीम स्पिरिट नहीं नजर आ रही है इस बीच मैदान पर। कुल देखा जाए फिर एक बार यहाँ पर थोड़ी सी स्विंग होती भी नजर आई गेंद पर, काफी ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, वाइट गेंद करार देते हुए नजर आ रहे हैं हम पर यहाँ पर शैले चौहान सर। कुल देखा जाए 1-7 टीम का स्कोर बोर्ड, 15 ऑन बोर्ड विदाउट लॉस्ट। एक वाइट की शुरुआत की थी गेंदबाज विनय ने, कम बैक करना यहाँ पर जरूरी है, सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी होनी जरूरी है। यहाँ पर लाइन पे आते नजर आ रहे हैं गति के साथ बैठ गया, पिच होकर गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति यानी कि अच्छी गेंद की समाप्ति में जरूर कहूंगा। इस तरह की लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी होनी जरूरी है अगर आपको मैच में बने रहना है, क्योंकि बल्लेबाज सामने विशाल अच्छी तरह जानते हैं गेंद को कहां पर भेजना है। यहां पर कहीं ना कहीं देखिए आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था पर फील्डर वहां पर मौजूद थे, इस बीच एक रन चुराने में कामयाब, यानी कि भावेश को स्ट्राइक यहां पर आउट करने में कामयाब मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे भावेश। अब तक पहले ओवर के बाद छड़ी जाए 14 रन बटोरने में कामयाब हुए थे, उसके बाद स्ट्राइक एंड पर आते हुए नजर आ रहे, यानी कि अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें शेष। इस बार देखिए भावेश ने जगह बनाकर पॉइंट के ऊपर से गेंद गई घोषित क्षेत्र में एक रन के लिए, इससे संतुष्ट होना पड़ेगा। कुल देखा जाए कि 7 टीम का स्कोर बोर्ड 17 ऑन बोर्ड 17 रन स्कोर बोर्ड पर आ चुके बिना किसी विकेट नुकसान पर। जैसे कि मैंने कहा था इस टीम के सामने अगर आपको खेलना है तो 60 प्लस यहां पर रन होने जरूरी है, क्योंकि 5-6 ऑलराउंडर इस टीम में जरूर है और एक ऐसे नहीं है कि टेनिस क्रिकेट जगत के बड़े नाम है मैं जरूर कहूंगा। कुल देखा जाए यहाँ पर बड़ा प्रहार करने का प्रयास किया था, थोड़ी सी मिस फील्ड। दोस्तों अगर आपके पास लो स्कोर हो और लो स्कोरिंग मैच हो तो गेंदबाज गेंदबाजी अच्छा कर रहा हो तो फील्डर का साथ यहाँ पर आना जरूरी है, कहीं ना कहीं खराब फील्डिंग मैं जरूर कहूंगा जय गजानन कुक्षत टीम के फील्डरों की ओर से। कुल देखा जाए अभी 20 ओवर की 2 गेंदें शेष है, देखना है बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर विशाल इस बार शॉट ऑफ पुल करने का प्रयास किया था जरूर, यहाँ पर प्रयास सफल तो जरूर हुआ था पर एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाज विशाल के लिए। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद निश्चित में विनय किस तरह कमबैक करते हैं, विकेट की तलाश में जरूर रहेंगे गेंदबाज, क्योंकि सलामी की जोड़ी बीच मैदान पर अब तक बल्लेबाजी कर रही है। कहीं ना कहीं विश्लेषण देखा जाए 18 गेंदें 19 गेंदें बची है, बार देखिए जैसे कि मैंने बात छेड़ी थी विकेट के तलाश में जरूर रहेंगे। विकेट लिया या पर विशाल का, जैसे कि मैं हर दम इसे पहले भी मैंने कहा था अगर वी शेप में अगर आप अच्छी बल्लेबाजी कर रही हो इनिंग में इस तरह का शॉट यहां पर खराब विकेट में जरूर कहूंगा। पहली सफलता पहला झटका यहां पर लगता हुआ तारावे टीम के लिए। डीजे आइए
ओवर में सफलता लेने में कामयाब हुए थे। अच्छी गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज विनय ने, 5 रन खर्च के एक सफलता लेने में कामयाब हुआ एक गेंदबाज, एक अच्छी गेंदबाजी। इस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर होनी जरूरी है अगर आखिरी ओवर तक अगर आपको मैच ले जाना है तो एक सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी होनी जरूरी है। देखना टीम को से तीसरे व्यक्ति रूप से पहली ओवर फेंकेंगे जेवी, क्या करते हैं अपने टीम के लिए। बल्लेबाजी में थोड़े से असफल हुए थे, देखना है गेंदबाजी में क्या करते हैं। यहाँ पर गेंदबाजी में सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी है क्योंकि सामने है भावेश, एक अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी की है। 18 गेंदे बची है, मैच जीतने के लिए 15 रन की जरूरत, 18 गेंदे 15 रन, 15 रन 18 गेंदे, कौन जीतेगा ये मैच, दारावे या फिर कुक्षत या आने वाली 3 ओवर बताएंगे। गेंदबाजी की धमाल संभाले हुए जेबी, स्ट्राइक एंड पर भावेश, नॉन स्ट्राइक एंड पर धीरज, खाते से वंचित अब देखा जाए, नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े है। देखना जेबी क्या कर पाते, बीच मैदान पर कड़ी धूप में दो अंपायर यहाँ पर शशि मेहर सर और शैलेश चौहान सर। देखिए गेंद के रडार में दी हुई गेंद, ये बल्ले के रडार में दी हुई गेंद और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा बाहर 6 रन के लिए डीजे आइए। गेंदे बची है, मैच जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर, मैन इन फॉर्म मैन इन टच में जरूर कहूंगा भावेश ऑन स्ट्राइक पर, एक बार ब्लॉक हुई गेंद थी, कैच से डकल भी गेंद थी, कलर का इस्तेमाल किया था पर वहां पर फिल्डर मौजूद है, जब तक फील्ड करे एक रन चुराना, दूसरे रन का प्रयास जरूर किया था पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर। और स्ट्राइक एंड पर आएंगे बल्लेबाज धीरज, धीरज बोई 360 के नाम से सुप्रसिद्ध मैं जरूर कहूंगा, आज 360 ग्राउंड नहीं है पर कहीं ना कहीं बड़े प्रहार करने की क्षमता है इस बल्लेबाज में, क्या करते हैं ये आने वाली कुछ गेंदे बताएंगे। इस बार लो फुल टॉस स्टेप आउट, पहले गेंद स्टेप आउट किया था, कहीं ना कहीं गेंदबाज ने समझ लिया था कि बल्लेबाज आगे आ रहा है, गेंद थोड़ी सी पीछे रखी पर एक रन चुराने में कामयाब यहां पर तो बल्लेबाज। एक के साथ टीम का स्कोरबोर्ड देखा जाए 27 रन, 27 ऑन अ बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। एक बार यहां पर फुल टॉस गेंद थी, बड़ा प्रहार जरूर किया था, फील्डर वहां पर मौजूद है, जब तक फील्ड करे एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इक्का दुक्का से आप मैच जीत सकते हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है। एक अच्छा क्रिकेट पिच मैदान पर दो बल्लेबाजों के बीच, अभी भी इस ओवर की दो गेंदानी शेष, देखना है अच्छी गेंदबाजी। अब तक पहले गेंद पर छक्का खाने के बाद अच्छा कमबैक किया है इस गेंदबाज ने। इस बार देखिए कैच का चांस था, अगर आपके पास रन कम है, अगर इस तरह का क्रिकेट आप करोगे तो कहीं ना कहीं इस मैच से आप कहीं ना कहीं दूर जाओगे। कम से उंगलियों में लगी है गेंद मेरे ख्याल से। बड़ा शॉट था और शॉट को हाथ जरूर डाला था, एफर्ट जरूर किया था और कहीं ना कहीं कुल देखा जाए
ओवर की आखिरी गेंदबाजी शेष है और मैच जीतने के लिए रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं, चार रनों की जरूरत है आखिरी गेंद इस तीसरे ओवर की। यहां पर देखिए हल्के हाथों से लॉफ्ट हुई गेंद थी, ग्राउंड के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद है, जब तक फील्डर करे एक रन जरूर चुराएंगे। एक के साथ ही इस तीसरे ओवर की समाप्ति यानी कि 12 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, तीन रनों की जरूरत, 12 गेंदें, तीन रन 12 गेंदें, कौन जीतेगा यह मैच ये आने वाले कुछ गेंदें बताएंगे। तब तक यू गए यू आई डीजे आइए संभाल लेते। पहले गेंद पर व्हाइट के साथ शुरुआत की इस गेंदबाज ने, कुल देखा जाए एक से टीम का स्कोरबोर्ड 32 यानी कि दो रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। ये दो रन किस तरह बटोरते ये आने वाली गेंद है, यानी कि बड़ा प्रहार की जरूर प्रयास जरूर किया था पर इस बार कैच लपकने में कामयाब है, लेकिन विकेट लेने में कामयाब है। धीरज बोयर की पारी की समाप्ति, डीजे आइए शॉट के साथ इस पानी को विनिंग मूवमेंट देना चाहते हैं। धीरज कहीं ना कहीं असफल हुए, भविष्य देखिए हल्के हाथों से डकल एक समझदारी क्रिकेट पिच मैदान पर, क्योंकि देखिए एक का दुखा से अगर आप मैच जीत सकते हैं तो बड़ा प्रहार एक जोखिम लेकर विकेट गंवाना एक खराब क्रिकेट में जरूर कहूंगा। कुल यहाँ पर यानी कि स्कोर लेवल हो चुका है, मैच जीतने के लिए एक रन की जरूरत है। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, गेंद गई वन बाउंस, दंदनाती सीमा रेखा बाहर, चार रन के लिए। इस चार रन के साथ मैच जीता है तारावे टीम ने और मैं हार्ड लक कहूंगा यहाँ पर कुक शट टीम का और गुड लक कहूंगा।